लोकसभा चुनाव के सभी उम्मीदवारों की लिस्ट अधिकतर जारी हो गई है और जहां से पहली बार लड़े थे काशीराम मायावती वहां से करेंगी अपनी चुनावी रैली की शंखनाद। बसपा संस्थापक काशीराम साहब ने वर्ष 1984 में जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमाई थी, पर वो यहां से जीत नहीं पाए। लेकिन तीसरे पायदान पे बहुत भारी संख्या के अंदर उन्होंने बहुजन वोट बैंक को एकत्रित कर दिया था। उस समय ये सीट अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा थी और इसमें चांपा शामिल नहीं था। विधानसभा में मिली जीत से उत्साहित बसपा अब लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है, जहां एससी एसटी ओबीसी एक तरफ हो चुका है। अब उनको लगता है कि बहुजन समाज का ही प्रधानमंत्री बनेगा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के 70 सालों को सारी जनता ने देख लिया है, उनके वादों को देख लिया है। इसलिए अब सारे देश की जनता चाहती है बहुजन समाज का नेता ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हम आपको बताएं कि पहले चरण में मतदान 11 अप्रैल को है, लेकिन रैली 14 को। मायावती ने 14 अप्रैल से प्रदेश में चुनावी शंखनाद करेंगी, जबकि बसपा ने बस्तर सीट से अपने पूर्व प्रत्याशी रहे आयातुराम मडावी को फिर से उम्मीदवार बनाया है। आयातुराम मडावी आदिवासी समाज से आते हैं और पिछले चुनाव में 32,135 वोट उन्हें मिले थे। इसके बाद बावजूद पहले चरण में बसपा की ओर से कोई बड़ा चेहरा प्रचार के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि वोटों का परिवर्तन एक रात में भी बहुत हो जाता है। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने यह रखा है कि वहां से बहुजन समाज के वोटरों को एकत्रित करने के लिए बहन कुमारी मायावती ने सबसे शुरुआत और सबसे छत्तीसगढ़ में हम आपको बता दें कि 11 से 8 लोकसभा सीटों पर बसपा ने उतारे अपने प्रत्याशी, और वहीं पे छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस से हुए गठबंधन के चलते सपा बसपा ने 11 में से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। जांजगीर चांपा सीट से दाऊद रत्ताकर ने प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं सरगुजा से माया भगत, दुर्ग से गीतांजलि सिंह, राजनांदगांव से रविता लकड़ा और महासमुंद लोकसभा सीट से धन सिंह कोकरिया को चुनावी मैदान में उतारा है। मायावती दाऊराम रत्ताकर के साथ दूसरी सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगी। वहीं बसपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम का दावा है कि इस बार जांजगीर सीट जीतकर बहन कुमारी मायावती को गिफ्ट करेंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों पर नज़र बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दबाएं और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप में सबसे पहले।